चलिए तो इसी पे बेस क्वेश्चन करते हैं अब आगे। देखिए फॉर्म 12 पे बेस क्वेश्चन करे जाते हैं। तो आप पे जैसे क्वेश्चन है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और यहाँ पे है dx, यह है आप पे। अब एक सिंपल सी बात क्या है, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, करना वही है कि लेट 5x माइनस 2 हम इसे तोड़ना चाहते हैं। देखो कैसे तोड़ेंगे, a हमने खुद लगाया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, नीचे वाला कितना है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर है, और प्लस में लगा देंगे बच्चे b। बस अब डिफरेंशिएशन करो ज़रा इसका, तो देखो क्या होगा 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a इनटू, देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, 2x का 2 आएगा, 3x स्क्वायर का 6x आएगा। आप सबको पता है डिफरेंशिएशन कैसे करे जाते हैं, और प्लस में लगा दिया b। अब जब हम इन्हें खोले तो आप पे आया 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a 2 प्लस 6x प्लस b। क्लियर है भैया, 2 प्लस 6x प्लस b, जिसको अगर हम खोलेंगे तो आप पे आएगा 2a प्लस 6ax प्लस b, 2a प्लस 6ax प्लस b। बस अब आपको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द कोफिशेंट। तो कंपेयरिंग कोफिशेंट ऑफ x, सबसे पहले x का कोफिशेंट कंपेयर करो दोनों साइड। तो बच्चे यहाँ पे देखिए x के आगे कौन है, 5 है बच्चे, वहाँ देखिए x के आगे कौन है, 6a है। तो बस आ ही गया, इसे फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, ठीक है। तो आप देखिए आप पे क्या आया, आप a को लिख सकते हैं 5/6, ठीक है। अब देखिए दूसरी टर्म तो कांस्टेंट है, तो कंपेयरिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो बच्चे देखिए क्या होगा, कांस्टेंट यहाँ है माइनस के साथ 2, वहाँ पे कांस्टेंट कौन हुआ जिसके साथ कोई x नहीं है। तो जैसे यहाँ पे 2a के साथ कोई x नहीं है और b के साथ भी कोई x नहीं है, तो ये लिख लिया। और माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ए कितना है 5/6 और प्लस कितना है b है, तो b की वैल्यू कितनी आई बच्चे, आई माइनस 2, ठीक है। और 2 3 जै 6 यही है, और ये 5/3 इधर आके माइनस का हो गया, तो माइनस 2 माइनस 5/3, बोलो हाँ या ना, यस सर यही होगा, माइनस 2 माइनस 5/3, तो कितना हो जाएगा 3 2 जै 6 6 और 5 11, तो माइनस 11/3 आ गया, ठीक है, माइनस 11/3 आ गया। क्लियर है इतना, शाबाश। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से देखिए आपको क्या मिला, फर्स्ट से आपको मिला कि भैया हम 5x माइनस 2 को कैसे तोड़ सकते हैं। 5x माइनस 2 हो सकता है a, a कौन है भैया 5/6 है, अंदर कितना बचा 2 प्लस 6x बचा, प्लस b, b कितना है माइनस 11/3 है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप खोलोगे इसे यही आएगा, देखिए कैसे 5 2 जा हुआ 10, 10/6 और माइनस 11/3, 10/6 और माइनस 11/3 होगा, इसको करेंगे तो 10/6 माइनस 22/3 होगा, ठीक है। तो 10 माइनस 22 12 बाई कितना 6, 6 2 जा 12, तो 12 ही तो आ रहा है, और देखिए 6 से 6 कटेगा तो 5x ही आ रहा है। तो बस तोड़ने का नज़रिया है, आप ऐसे इसे तुक्के से नहीं तोड़ सकते थे, ये तो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि ये ऐसे टूटेगा, है ना, ये चीज़ ऐसे टूटेगी आप इमेजिन कहाँ कर सकते थे, इसलिए ये मेथड है। तो अब ये मेथड हटाए, इसमें कोफिशेंट को कंपेयर करना है बस, और कुछ नहीं है। और देखिए फिर आगे क्या है, आगे हम यही बढ़ाते हैं, i इज इक्वल टू ये ऊपर वाला 5x माइनस 2 ये बन गया 5/6 और कितना है 2 प्लस 6x है, और फिर कितना है माइनस कितना है 11/3 है, ये चीज़ तो हुई 5x माइनस 2, साथ में यहाँ पर कौन है dx है, और नीचे कौन है बेटा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, प्लस में है ना, कैसे भी लिख लो। अब बस यहीं से सेपरेट करो आप इसे, यहीं से आपको इसे क्या करना है, सेपरेट करना है। आप अगर इसे सेपरेट करेंगे तो 5/6 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन बचेगा, अंदर कितना बचा बच्चे 2 प्लस 6x बचा, नीचे कितना है बेटा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ये ठीक है। फिर इसके बाद है माइनस 11/3, 11/3 भी बाहर आया, dx है, और नीचे कितना है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है भैया, गुड।
बस इसको आप दो इंटीग्रेशन में तोड़ दो, ये आई वन है और ये कौन है आई टू, दोनों मिला के देंगे आई, प्लस में लगा देंगे सी। सबसे पहले आई वन देख लेते हैं, आई वन कितना आया, तो आई वन है आपका कितना 5/6, अपने कंफर्ट के हिसाब से दो मैंने उसमें तोड़ दिया इसे, 2+6x अपॉन कितना है 3x² प्लस 2x+1 है, इधर भी dx और इधर भी dx, भूल गए थे। ध्यान से देखो, अगर ये फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, ये तो आपको कोई डिनाई नहीं कर सकता। देखो खुद ही, 3x² का होगा 6x, 2x का होगा 2, 1 का 0, तो फंक्शन नीचे, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर। आप अगर आप इसे टी लोगे तो ऊपर आएगा कितना, पता है ना आपको 2+6x से dx बन जाएगा आपका dt, तो आपको सीधा पता है इसका आंसर तो बता ही रखा है, लॉग फंक्शन होता है, तो लॉग फंक्शन, फंक्शन नीचे वाला है कितना 3x² प्लस 2x+1, ठीक है, तो i1 हो गया आपका। अब आप i2 करिए, तो i2 में देखिए क्या है, i2 है -11/3, ठीक है। और बच्चे देखिए, ये तो वही वाली चीज़ है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पर पहले तीन भार लेना पड़ेगा, तो 1/3 हमने भार ले लिया, चलाक बनो ना, पहले से भार लेके रखो। यहाँ पे बचा dx अपॉन, देखिए जिस पे तीन था उस पे तो कुछ नहीं बचेगा, वो तो सिर्फ वेरिएबल आ जाएगा, जिस पे नहीं था उसके अपॉन में जाएगा, तो 2x/3 + 1/3। वैसे मत सोचना भूल के भी कि पूरा 6 जाएगा अंदर, आपको वेरीफाई भी करना है तो सिर्फ इस तीन को अंदर भेजो, तो 3x² 3 से 3 कटा प्लस 2x और प्लस का 1, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या x² का कोफिशेंट 1 है, तो हाँ है। फिर x का कोफिशेंट कितना है, 2/3 है, 2/3 का भी हाफ हो गया 2/6, 2/6 मतलब 1/3, ठीक है, 2/3 का हाफ हो गया 2/6, 2/6 मतलब 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो प्लस 1/9 और यहाँ पे हो गया -1/9, ये चीज़ हो गई। तो ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, और ये 2ab वाली टर्म है, तो इनका साथ में लिखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, -11, 3 3 9, -11/9 इंटीग्रेशन dx। थोड़े समझदार बनना है ना जो सर बोलने वाले, तो x² हो गया और 1/3 का स्क्वायर ये रहा, और 2ab वाली टर्म ये है 2 × x × 1/3, तो सीधा बच्चे बताओ ये 1/3 का स्क्वायर है वो x² है, तो क्या सीधा मैं इसे x + 1/3 का होल स्क्वायर लिख दूँ, आप बताइए, लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। तो बच्चे लिख लिया, x² + 2x/3 + 1/3 का स्क्वायर हो गया x + 1/3, फिर आपके बचा 1/3 - 1/9, वो यहाँ देख लेते हैं, 1/3 - 1/9 एलसीएम आएगा 9, 3 3 9, तो 3 - 1 आएगा, ठीक है, ठीक है, तो 2/9 आया, 2/9 मतलब √2/3 का होल स्क्वायर, 2/9 आया ना बच्चे यहाँ से, तो √2/3 का होल स्क्वायर होगा, 2/9 मतलब √2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये आ गया। बस अब इसे सॉल्व करिए तो देखिए क्या आएगा, बड़े क्वेश्चन हैं बट हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए क्या आया, i2 आया, -11/9 चल ही रहा है, और ये बना x² + a², तो ये हुआ 1/a, 1/√2/3, tan इनवर्स x/a, x है x + 1/3/a, √2/3 प्लस सी, ये चीज़ है, ठीक है। बस अभी से सॉल्व करिए, 3 3 9 हो गया, तो i2 की वैल्यू आ गई कितनी, -11/3√2 tan इनवर्स ब्रैकेट 3x + 1 √2 और प्लस का कितना सी, सी चाहिए, आप यहाँ भी लगा सकते थे, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे नीचे वाले, तो फाइनली आपका आई क्या आया, जो आपका फाइनल आई था, आई टोटल ना, आई आया i1 + i2, जिसमें i1 तो आपका आया ये चीज़ 5/6 log 3x² प्लस 2x + 1। अब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपको दिल बड़ा रखना है अपना, और i2 आपका ये रहा, माइनस में है तो माइनस लिख लो, तो -11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 और प्लस में लगा देंगे बच्चे सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन आप घर से करना, एक मैं करा दूंगा, ठीक है, मिलता जुलता सेम क्वेश्चन है, ऐसी घर से करना, एक मैं करा दूंगा, क्या है ये वाला आपका होमवर्क है,
थ्री एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। सबसे पहले तो आपको वही लिखना है, लीनियर इज इक्वल टू ए इन टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, वो करना है। तो जब भी आप सारा कर दोगे सॉल्व तो आपका आंसर आना चाहिए बच्चे थ्री बाई फोर ऑफ लॉग ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री और प्लस रूट फाइव बाई टू टेन इनवर्स टू एक्स माइनस वन बाई रूट फाइव और प्लस सी। ठीक है, तो थ्री बाई फोर लॉग टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू टेन इनवर्स टू एक्स माइनस वन बाई रूट फाइव, ये आपका है घर से, ये आपका आंसर है बच्चे। मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि इसमें दो तीन मेहनत और करनी है, तो इसलिए वो क्वेश्चन मेरा कराने का फ़र्ज है। तो आप पे है टू एक्स प्लस वन अपॉन फोर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यह है आप पे डी एक्स। ठीक है भैया, ये आप पे क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले इसमें दिक्कत क्या है, अगर आप माइनस लेना चाहो तो अभी ले लो, आई हैव नो रिग्रेट, आप माइनस पहले ले लो घर। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स नहीं होता प्लस टू एक्स होता है, तो पहले से आप माइनस भाग ले लो। तो माइनस भाग लिया, आप पे है टू एक्स प्लस वन, साथ में यहाँ पे डी एक्स है और नीचे कितने है? जो माइनस कॉमन लेके आप प्लस हो जाएंगे माइनस वाले, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स तो प्लस के हो गए, फोर माइनस हो गया मेरा। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना ले? नहीं भैया, ऊपर डी एक्स नहीं है, ऊपर लीनियर फंक्शन भी है एक। तो लेट आप लीनियर फंक्शन जो है अंदर वाला, माइनस को छोड़ो, गोली मारो, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, नीचे वाला कौन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर है, और प्लस आप लिख दो कि बी। ठीक है, ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला प्लस बी करने बैठेंगे तो टू एक्स प्लस वन आ गया, ए है इंटू एक्स स्क्वायर को हो गया टू एक्स, थ्री एक्स को हो गया थ्री और फोर को हो गया जीरो, उसे छोड़ो, ये आ गया एक्स स्क्वायर का टू एक्स, थ्री एक्स का कितना थ्री, माइनस फोर का जीरो छोड़ो, प्लस कितना आ गया बी, इसे मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, यही डालनी है टू एक्स प्लस वन की जगह, बट इसे आप खोलेंगे तो देखिए टू एक्स प्लस वन है, और बच्चे समझदारी से देखो ये टू ए एक्स है, टू ए एक्स प्लस कितना आएगा थ्री ए प्लस बी, क्योंकि थ्री ए प्लस बी को साथ में लिख देंगे क्योंकि ये पूरी चीज़ कॉन्स्टेंट है। अब कंपेयर करेंगे कोफिशेंट्स को, तो कंपेयरिंग कोफिशेंट, कोफिशेंट को कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं किसका, एक्स का, तो एक्स के कोफिशेंट को कंपेयर करें तो क्या आया, एक्स का कोफिशेंट यहाँ दो है, एक्स का कोफिशेंट वहाँ टू ए है, तो इससे ये कैंसिल हुआ, ए की वैल्यू आ गई वन। ठीक है भैया, एक्स का कोफिशेंट यहाँ दो है वहाँ टू है, कट गया। अब दूसरा हम कंपेयर करेंगे कॉन्स्टेंट को, तो कॉन्स्टेंट देखो यहाँ कितना है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है एक और यहाँ पे कॉन्स्टेंट है थ्री ए प्लस बी। ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट है एक और यहाँ कॉन्स्टेंट है थ्री ए प्लस बी, तो बराबर एक इज इक्वल टू थ्री, ए की वैल्यू कितनी है वन है, तो थ्री इंटू वन थ्री हुआ प्लस आ गया बी, बोलो सही है गलत, आया समझ में, वन ऐसी है थ्री इंटू ए की जगह वन प्लस बी, तो वन माइनस थ्री होगा माइनस दो, तो बी की वैल्यू आ गई माइनस दो। ठीक है, बी की वैल्यू माइनस दो आ गई, तो फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से देखिए आपको क्या मिला, फर्स्ट से आपको मिला यहाँ पे है टू एक्स प्लस वन, ठीक है इज इक्वल टू ए, ए कितना है वन है, वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री माइनस दो, बी की वैल्यू माइनस दो है। अरे सर इतनी मेहनत क्यों करी, ये तो हम आपको डायरेक्ट बता देते कि तीन माइनस दो एक होता है, ऐसे लिखना था। बेटा इतनी हिम्मत तुम पे भी नहीं है, मेरे पे भी नहीं है कि ऐसा सोच पाएँ वहाँ पे कि तीन माइनस दो एक ही लिखना है, नहीं इतनी हिम्मत हम लोगों पे नहीं है, आप पे भी नहीं है, मैं मानता हूँ पढ़ाता हूँ ना आपको तो पता है मुझे, यही डालना है ऊपर इंटीग्रेशन में। तो देखिए आप पे क्या बना, वो मैं आपको बताते चलूँ, आप पे बना अब माइनस ऐसी है इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस वन, ये पूरा बन गया टू एक्स प्लस थ्री इंटू वन, यही आया और माइनस दो और अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर है और यहाँ पे कितना है डी एक्स है। अब आप माइनस का भी यूज़ कर लीजिए, खोलेंगे तो माइनस को भी यूज़ कर लेना। ठीक है, आई वन आई टू से नहीं करा रहा हूँ इस बार सीधा सीधा करेंगे दोनों को, है ना, यहीं से सेपरेट करना और माइनस को भी यूज़ कर लेना। तो आई इज इक्वल टू देखो बाहर माइनस अंदर प्लस, तो माइनस आएगा इंटीग्रेशन आएगा टू एक्स प्लस थ्री आएगा ब्रैकेट फोर, सॉरी ये मत लिखना वो लिखना एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर
यहाँ पे है dx, और उसके बाद देखिए माइनस, ये माइनस हो गया प्लस, दो का अंदर का काम कुछ नहीं, बाहर निकाल दिया, दो ही आएगा ना dx, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये चीज़ है। अब देखिए अगर ये फंक्शन हुआ तो साथ ही ऊपर वाला डिफरेंशिएशन है, ध्यान से देखिए, नीचे वाला फंक्शन तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3, माइनस 4 का 0, और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो पहले से ही देख लीजिए कि क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कोफिशियंट 1 है, तो है, तो x को कोफिशियंट 3 है, 3 का आधा कितना होगा, 3 का आधा होगा 3/2, 3/2 का स्क्वायर होगा 9/4, तो प्लस का 9/4 और माइनस का 9/4 हमने लिख दिया। आगे बढ़ेंगे, इसका तो सीधा आ जाएगा माइनस लॉग फंक्शन, और कुछ तो नहीं आएगा ना, तो माइनस लॉग फंक्शन आएगा, फंक्शन नीचे उसका डिफरेंशिएशन ऊपर, तो सीधा लॉग फंक्शन आंसर आता है, तो माइनस तो चल ही रहा है, लॉग फंक्शन, फंक्शन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है भैया, लिख लिया, प्लस 2 ऐसी इंटीग्रेशन dx ऐसी। अब खुद देखिए यहाँ पे, अब आपको समझदारी होनी चाहिए, ए स्क्वायर वाली टर्म ये रही, बी स्क्वायर वाली टर्म है 3/2 का होल स्क्वायर, और 2ab वाली टर्म ये है, देखो 2 × 3/2 वहाँ से आएगा और x यहाँ से आएगा, तो 3x ही बचेगा, वो ये रहा, तो ये बना एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, यस सर, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 9/4 प्लस 2 × x × 3/2 3x, और यह है माइनस 4, यह है माइनस 9/4 जो बचा, माइनस 4 माइनस 9/4 यह आएगा माइनस 16 माइनस 9 कितना, माइनस 25/4 यह आएगा, 25/4 को बच्चे आप क्या लिख सकते हो, आप ये कॉपी में लिखा करो रफ में ना, ऐसे करके पार्टीशन करके 5/2 का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगाएंगे, तो आई इज़ इक्वल टू माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 प्लस 2 × 1/2a, तो 2 × 5/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स माइनस ए अपन एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस 3/2, नीचे भी एक्स प्लस 3/2, ऊपर माइनस, नीचे प्लस, प्लस का सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, और आपको एलसीएम लेना है तो ले लीजिए। तो ये चीज़ तो ऐसी आएगी, माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2/5 आया, 2/5 लॉग, यहाँ पे देखिए कितना बना, प्लस सी लगा लेंगे, तो देखिए 3 − 5 हुआ कितना, माइनस का 2, यहाँ पे बता दूँ x, 3 − 5 हुआ माइनस का 2/2, ठीक है, तो आप काट दो इसे, ये x माइनस 1 आ गया, ठीक है भैया, x माइनस 1 आ गया, और नीचे देखिए कितना है, 3 + 5 आया 8, 8/2 4, तो x प्लस 4 आ गया, ये x तो ऐसी है ना, 5 + 3 = 8 हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। इसे हमने I1 I2 से नहीं करा, नॉर्मल मेथड से कर लिया, ये भी हम सही मानेंगे, ठीक है, गुड, क्लियर, शाबाश। अब एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं वो छोड़ जाऊंगा, आप खुद करना आगे के बाद, देखो क्या है, कुछ नहीं करनी है मेहनत, वो आपको छोड़ दूंगा मैं, बस यहाँ पे देख लीजिए क्या है, इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे है dx। अब एक सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन तो हम पहली बार देख रहे हैं, इसको तोड़े कैसे, तो आपकी मर्जी, आप तोड़ लो इसे, मैं तो तोड़ ही लेता इसे, बताऊँ कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को मैं लिखता नीचे के जैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को थोड़ा तो 3x, 2 को थोड़ा तो 2, अब देखिए और क्या चाहिए यहाँ पे, एक चाहिए 2x और एक चाहिए प्लस 1, तो देखो पूरा ही बन जाएगा, x 3 और 2 = 5 और 2 और 1 = 3, ये हम डालते तो सीधा आंसर आ जाता, देखिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अलग प्लस 2x प्लस 1 अलग, सर हमें तो नहीं पता ऐसे तोड़ना था, कोई बात नहीं, अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और यहाँ पे dx, यहीं से सेपरेट करता मैं इसे, यहाँ 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 से, तो सेपरेट करता तो देखिए क्या बनता, सेपरेट अगर करता तो क्या बनता, तो I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2
यहाँ पे है डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे आ जाता है डी एक्स। भैया इससे ये कट जाता, तो यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन डी एक्स, और ये तो बच्चे वाली बात है, अभी कर रहे हो तुम 2x प्लस 1 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये तो वही है ना लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो ये तो आप खुद कर सकते हो। आप बस ये देख लो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है, 3x का आता है 3, तो आपको वो भी तरीका बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर का होता है 2x, 3x का आता है 3, 2 का हो गया 0, और यहाँ पे ऊपर आप पे 2x प्लस 1 है, तो ऑब्वियसली 2 ही लगाना पड़ेगा ना भैया, 2 ही लगाना पड़ेगा। तो ऊपर कैसे बनाइए, तो देखो इस 1 को हम अगर इस 2x प्लस 1 को मैं ऐसे लिख दूँ 2x प्लस 3 माइनस 2, तो क्या हर्ज है, 3 माइनस 2 एक ही होगा, 2x प्लस 3 इसका ये है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये बताया, दूसरा आपको ये तोड़ना नहीं आएगा, तो तोड़ना मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं है, लॉन्ग डिवीजन लगा लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन नीचे वाला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक के बार डालो, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू 3x 3x, 1 इंटू 2 2, माइनस करोगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे कैंसिल, 5 माइनस 3x 2x आ गया, 3 माइनस 2 1 आ गया। तो देखिए डिविडेंट, डिविडेंट कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, इंटू कोशेंट, कोशेंट कितना है 1 है, प्लस रिमाइंडर 2x प्लस 1। तो तोड़ना ऐसे था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 1, मैंने भी ऐसे तोड़ा, ये है ठीक है। तो कहना तो ये यही चीज़ चाह रहा है, कहना तो ये यही चीज़ चाह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसमें अब आगे देखिए, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कितना है। तो देखिए पहले तो x आएगा, फिर आएगा log, ये नीचे वाली चीज़ कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फिर आपको पता था 1 को तोड़ा 3 माइनस 2 में, तो माइनस 2 बाहर आएगा, वही चीज़ है, माइनस 2 log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस c। मैं यहाँ पे अपने हाथ कितने भी स्ट्रॉन्ग कर लूँ करा करा के, फ़ायदा आपका नहीं होना, आपने खुद करना है तब फ़ायदा होना है, ठीक है। तो ये भी आप खुद कर सकते हैं, थैंक यू। चलिए साथियों अब नया टॉपिक करेंगे, एक देखिए नया टॉपिक क्या है, वो आपने देखे थे ना ऊपर नीचे कॉसेस पर एक से डिवाइड करते हैं, एक बार इसमें जरा नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कुछ अगर बन पाए तो। देखिए जैसे एक क्वेश्चन आप पे आ गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस, आई थिंक ये रिपीट है पर देख लेते हैं, डिजिट चेंज हो जाएगी ना बस, 3 का 4 हो जाएगा, 8 का 9 हो जाएगा, करना ऐसी है। अब जैसे ये आ गया आपके क्वेश्चन कि डी एक्स 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स, इसको कैसे करोगे आप, तो आपको पता है ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, आप लिख लेना डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई कॉस स्क्वायर एक्स, या 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपने लिख लिया, प्रिंसिपल डिवीजन आपको याद ही होगा कौन सा है, ये पूरा है। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपका बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डी एक्स अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना बना सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 ऐसी, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बना टेन स्क्वायर एक्स प्लस 8 ऐसी, कॉस स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1, डिवाइड आपको करना आता ही है। मैंने क्या बोलता है, नीचे वाले सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देना, ऊपर वाला तो ऐसे रहने दो, बट जो नीचे वाला सेक स्क्वायर एक्स है इसे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखा, प्लस क्या है 3 टेन स्क्वायर एक्स आई, प्लस क्या है 8 ऐसी है, बस सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया हमने, आगे बढ़े, यह है सेक स्क्वायर एक्स, साथ में है डी एक्स, 1 प्लस 8 हो गया 9 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स हो गया 4 टेन स्क्वायर एक्स। अब आपको भी पता है पुट करना है टेन एक्स को टी, टेन एक्स को कितना पुट करना है टी, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स, टी का होगा डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर चल जाएगा डी टी इधर ही रहेगा, ठीक है ये हो गया। तो इंटीग्रेशन देखिए कितना आया, सेक स्क्वायर एक्स से डी एक्स बना डी टी अपॉन
नाइन प्लस फोर टेन स्क्वायर एक्स हो गया टी स्क्वायर। चार आप भार ले लीजिए, वन बाई फोर भार लिया, इंटीग्रेशन डी टी है, और देखिए कितना बना, जिस पे चार था उससे तो गया, पर ये वाली चीज़ बनी नौ बाई चार। कितनी बनी? नौ बाई चार, तभी तो बन पाएगा ये। चार मल्टीप्लाई कर लो तो नौ प्लस फोर टी स्क्वायर आएगा, तो ये नौ बाई चार है। नौ बाई चार मतलब कितना? तीन बाई दो का होल स्क्वायर, ये आप पे चीज़ है। तो आपको बताइए इसमें क्या लगाते हैं, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, वही लगाएंगे। तो देखिए वन बाई फोर तो ही, साथ में क्या है वन अपॉन ए, तो वन अपॉन थ्री बाई टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो टी अपॉन थ्री बाई टू प्लस कितना सी, टू टू जा फोर, थ्री टू जा सिक्स, तो आई इज इक्वल टू वन बाई सिक्स टेन इनवर्स टू पर जाएगा, तो टू टी बाई थ्री प्लस सी, और टी के हम वैल्यू डाल देंगे, टी कितना है टेन एक्स है, तो आप पे आएगा आई इज इक्वल टू वन बाई सिक्स टेन इनवर्स टू टी है टेन एक्स, तो टू टेन एक्स बाई थ्री प्लस सी, दिस इज़ योर आंसर। ओके गुड, नाउ लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखें हमसे क्या कह रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है आपको करना है इसका साइन एक्स अपॉन साइन थ्री एक्स, और यहाँ पे चलेगा डी एक्स। अब आपको पता है साइन थ्री एक्स का एक ही फॉर्मूला होता है, वो लगाएंगे और बात बना लेंगे, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, साइन थ्री एक्स का हमें एक ही फॉर्मूला पता है, कितना थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। अब देखिए बन सकता है जो हम बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये साइन एक्स अगर यहाँ से गायब हो जाए तो तीन बचेगा और वो फोर साइन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तब हमारे ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड वाली फॉर्म बन जाएगी। तो मैंने देखिए चला किसे क्या करा, ये वन ऐसे रहने दिया, डी एक्स ऐसे रहने दिया, ये थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स चल ही रहा है। देखो मैं कोई ड्रामा नहीं करना चाहता, यहाँ सीधा करो, और अपॉन में लगा दिया साइन एक्स। सर ये साइन एक्स क्या ऊपर जाएगा? हाँ बेटा ऊपर से ही तो आया, ये वाला साइन एक्स ऊपर से ही तो आया, तो नीचे चले गया, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं ना ऐसा? हाँ कर सकते हैं, करो फिर डिवाइड करो, तो इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स, तो डी एक्स हो गया अपॉन, देखो थ्री साइन एक्स बाई साइन एक्स आएगा थ्री माइनस फोर साइन क्यूब एक्स बाई साइन एक्स आ जाएगा फोर साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया थ्री साइन एक्स बाई साइन एक्स आ जाएगा वन, तो वन इंटू थ्री थ्री माइनस फोर साइन क्यूब एक्स अपन साइन एक्स आ जाएगा फोर साइन स्क्वायर एक्स। अब डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो वन अपन कॉस स्क्वायर एक्स, ये डिवाइड ही हो रहा है, साथ में लगा दिया डी एक्स अपॉन थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये डिवाइड में लगा दिया दोनों को। देखिए ऊपर बना वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे है डी एक्स, और यहाँ पे थ्री बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तीन के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, तीन के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स, फोर साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स होगा फोर टेन स्क्वायर एक्स। अब इस टेन स्क्वायर एक्स से दिक्कत नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स से दिक्कत नहीं है, बस ये सेक स्क्वायर एक्स दिक्कत देने वाला है। इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स को वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन तीन ऐसी सेक स्क्वायर एक्स होगा वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स चल ही रहा है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स को वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, और क्या चाहिए। अब आगे देखिए क्या बना, इंटीग्रेशन ये है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, देखिए तीन, ठीक है तीन लिख दिया, प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स, देखो ना थ्री वन जाए थ्री, थ्री टेन स्क्वायर एक्स से माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स हटाओगे तो माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है भैया ये बचा। अब आपको क्या दिक्कत है, टेन एक्स को आप टी मान लो तो हो गया आंसर, बस ख़त्म। तो पुट करा टेन एक्स को टी, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स, और टी को अगर डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इधर डी टी इधर, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए कितना बना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका बन गया डी टी, नीचे है थ्री माइनस टेन स्क्वायर एक्स है टी स्क्वायर, तो डी टी अपन इसे लिखेंगे बच्चे रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ये, तो आपको ये पता है इसका कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वन अपन टू ए, तो वन अपन टू रूट थ्री लॉग,
ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो रूट थ्री प्लस टी, नीचे रूट थ्री माइनस टी, प्लस का कितना सी, टी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, टेन एक्स है, तो आई इज़ इक्वल टू वन बाई टू रूट थ्री लॉग रूट थ्री प्लस टेन एक्स अपॉन रूट थ्री माइनस टेन एक्स, अब प्लस में लगा देंगे सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है, आई इज इक्वल टू आप है, अच्छा ये आप खुद करिएगा, कॉस एक्स अपॉन कॉस थ्री एक्स, और यहाँ डी एक्स है, आपको बताते चलो करना वैसे ही है जैसे सेम पैटर्न था, कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला बता देता हूँ कितना होता है, बस फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स होता है, ये लगाना ऊपर वाले कॉस एक्स से डिवाइड करना, तो वहाँ तक मैं आपको ले जा लेता हूँ, कॉस एक्स ऐसी है, कॉस थ्री एक्स हो गया, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, यहाँ है डी एक्स, अब जरा डिवाइड करना, डी एक्स ऐसी है, ये कॉस एक्स से ये कटा तो फोर कॉस स्क्वायर एक्स आया, माइनस थ्री कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कटा, नीचे आएगा ना बच्चों ये तब कटेगा, तो ये आ गया, अब ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर कॉस एक्स से डिवाइड करना और बनाना, तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, नीचे फोर सेक स्क्वायर एक्स माइनस थ्री, तो उसे खोलना तो फोर माइनस थ्री वन, वन प्लस नाइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आना चाहिए आपका वन बाई टू रूट थ्री, आपका होमवर्क है खुद करना, लॉग वन प्लस रूट थ्री टेन एक्स जायज़ है, यही आएगा, और वन माइनस रूट थ्री टेन एक्स, और प्लस को में लगा देंगे हम सी, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप घर से करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन टू कॉस एक्स, टू प्लस कॉस एक्स, इसका करना है, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये वन प्लस कॉस एक्स होता तो कितना बढ़िया होता, वही बनाते हैं भैया, आप चिंता क्यों कर रहे हो, वन प्लस कॉस एक्स ही बनाएंगे ऐसे, तो दो को तोड़ा एक प्लस एक में, एक प्लस कॉस एक्स, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कोई ड्रामा नहीं, फालतू का कोई ड्रामा नहीं, सीधा करो इसे, तो दो लिख दिया, कोई सस्पेंस नहीं, वन प्लस कॉस एक्स हो गया, डी एक्स ऐसी वन ऐसी, वन प्लस कॉस एक्स कितना होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई दो होता है ना, वन प्लस कॉस एक्स इतना, ठीक है, इतना होता है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, जैसा आपको बताया था वो करो, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से ही डिवाइड कर दो, तो वन अपन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ लिखा डी एक्स, यहाँ पर भी लगाएगी वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया, ठीक है, वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है, इसमें भी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कर दिया, और वन अपन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू करा, तो वन अपन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, साथ में चलेगा डी एक्स, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है वन अपन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये तो हुआ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया वन, वन अपन कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर, ऊपर वाला भी वन अपन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, अब दिक्कत बस नीचे वाले सेक स्क्वायर से है, इससे कभी नहीं होती, तो नीचे वाले सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स ऐसे ही चल रहा है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को लिखा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, अब प्लस का दो चल ही रहा है भैया, बस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दिया, कोई बाकी दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू चल ही रहा है, साथ में डी एक्स आई, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ऐसी है, अब अच्छे दो प्लस एक हो गया तीन, ये अब जैसे ही आप टेन एक्स बाई टू को टी लेंगे, पुट करो टेन एक्स बाई टू को कितना टी, टेन एक्स बाई टू का डिफ्रेंसीशन होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का डिफ्रेंसीशन होगा वन बाई टू, टी का डिफ्रेंसीशन होगा डी टी बाई डी एक्स, भूलना मत, एक्स बाई टू का भी होगा, तो सिर्फ आपको सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स चाहिए यहाँ पे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू साथ में डी एक्स कितना आ जाएगा, टू डी टी आ जाएगा, तो टू बार डी टी इधर, टू बार डी टी इधर, और यह है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू जो कि है टी स्क्वायर, और यहाँ पे तीन, तीन को लिखेंगे रूट तीन का स्क्वायर, तीन को लिखेंगे रूट तीन का स्क्वायर, ठीक है भैया, गुड, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू टी स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स हो गया टू डी टी,
बस बनाइए छापिए आंसर को। टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है वन अपॉन ई टेन इनवर्स एक्स अपॉन ई। टेन इनवर्स एक्स है टी अपॉन ए है रूट थ्री प्लस सी। तो टू बाई रूट थ्री टेन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू है टेन एक्स बाई टू अपॉन रूट थ्री प्लस कितना सी। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है इतना? गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो यार ये आपको मैं एक फॉर्म बता देता हूँ, फॉर्म नंबर तेरह देखिए क्या है कि आपने अभी तक देखा था एक्स की पावर बड़ी ऊपर हो छोटी नीचे हो तो क्या करना है। अब देखिए इंटीग्रेशन है, एक्स की पावर छोटी ऊपर आ जाए, लॉन्ग डिवीजन भी नहीं लगेगा, छोटी प्लस है अपन एक्स की पावर बड़ी प्लस बी और यहाँ पे डी एक्स है। अब क्या करें, अब तो छोटी ऊपर आ गई और बड़ी कहाँ है? बड़ी नीचे है। छोटी ऊपर आ गई और बड़ी कहाँ है? बड़ी नीचे है। अब क्या करोगे, करिएगा, सोचिए क्या करोगे। तो यार ट्रिक बस इतनी है, ट्रिक ये है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स की पावर छोटी से डिवाइड कर दो। एक्स की पावर छोटी से, पहला स्टेप तो ये है एक्स की पावर छोटी से डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स की पावर छोटी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। दूसरा क्या है, डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। और इस बार 2ab वाली टर्म फाइंड करनी है, 2ab वाली टर्म क्या करनी है, फाइंड करनी है। यह ठीक है, ठीक है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स की पावर छोटी से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाने और 2ab वाली टर्म से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये हम पे आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इस पे ही बेस हम क्वेश्चन करना चाहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, छोटी ऊपर बड़ी नीचे, छोटी से डिवाइड परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, 2ab वाली टर्म ढूंढेंगे। तो देखिए क्या है, जैसे आपके क्वेश्चन है इंटीग्रेशन और ये सारे मिक्स आते हैं बड़े क्वेश्चन में, तो इसलिए याद रखने ये सारी फॉर्म। यह है क्वेश्चन, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन और साथ में कौन है, डी एक्स है। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो सिंपल सी बात है, देखो छोटी पावर कौन है, एक्स की पावर दो, उसी से डिवाइड करना है ऊपर नीचे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, प्रिंसिपल डिवीजन ये वाला, एक्स की पावर फोर प्लस वन को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ लगा देंगे डी एक्स, ठीक है भैया, गुड। अब एक चीज देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर तो हो गया वन और यहाँ आया वन बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर और ये है वन बाई एक्स स्क्वायर। कोई शक तो नहीं है ना, डिवाइड करना आपको आता ही है। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वन हो गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स की पावर फोर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया और नीचे है वन बाई एक्स स्क्वायर। अब आप खुद ही देखिए, ये आप पे ए स्क्वायर वाली टर्म है, ये आप पे बी स्क्वायर वाली टर्म है। तो आप खुद ही देखिए 2ab वाली टर्म क्या होगी। तो देखिए 2 लिखा जाएगा, a की जगह कौन आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर है तो a आपका x हुआ, और अगर b स्क्वायर आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो b हुआ आपका 1 बाई एक्स। दो से दो x से x कैंसिल, 2 आएगा आप पे। तो आपको यही करना है, प्लस 2 माइनस 2 करना है नेक्स्ट स्टेप में, वो यही कर देता हूँ। आप नेक्स्ट स्टेप में करना है प्लस 2 माइनस 2। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत मैं आपको बता दूँ, अगर ऊपर प्लस है, अगर ऊपर क्या है प्लस, तो नीचे माइनस का स्क्वायर बनाओ। सुन लो, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का स्क्वायर बनाओ, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का स्क्वायर बनाओ। ऊपर प्लस, नीचे माइनस का स्क्वायर, ऊपर माइनस, नीचे प्लस का स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंशिएशन माइनस का प्लस आएगा, प्लस का माइनस आएगा, यहाँ वन अपॉन वाली फॉर्म है ना इसलिए। तो याद रखना, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का स्क्वायर, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का स्क्वायर। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी सर क्या कहना चाह रहे हैं, पहली बारी में तो कहाँ ही गया आपको। वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमें ये उठाने और वो उठाने। तो देखिए उठाया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है और माइनस में है दो, दो को लिखेंगे रूट टू का स्क्वायर, दो को लिखेंगे रूट टू का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस, ये यूज़ हो गया, माइनस दो यूज़ हो गया, प्लस दो बचा, तो इसे लिखेंगे प्लस रूट टू का स्क्वायर, ठीक है भैया। आगे बढ़ेंगे तो आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर
डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट टू। आपको पता ही है ये 2ab वाली टर्म है, आपको भी बताया था 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स है ये, तो ये बनेगा आपका एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होली स्क्वायर। ठीक है भैया, ये चीज़ एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होली स्क्वायर है और वो है रूट टू का होल स्क्वायर। अब आप खुद ही देखिए, अगर ऐसी चीज़ें हैं और अगर आप नीचे स्क्वायर वाले को के अंदर वाले को टी पुट कर दें, एक्स माइनस 1 बाई एक्स को टी पुट कर दें, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन पता ही है यार। देखो एक्स का आ गया 1, माइनस ऐसे रहने दो, ये आपका 1 बाई एक्स है, ऊपर जाके होगा एक्स की पावर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस पावर आगे और एक्स की एक और पावर कम, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक तो माइनस पहले से था ना, तो प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा। ये मेरे पीछे कहने का कारण था कि अगर नीचे ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का स्क्वायर बनाओ और ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस का स्क्वायर बनाओ। ठीक है, ये आ गई बात आपको समझ में। टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, कितना बढ़िया हो गया ये, जैसे ये इधर जाएगा तो ये डी टी है, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स आपका कितना है यहाँ से डी टी है, डी टी नीचे ये पूरी चीज़ आपकी टी है, टी का स्क्वायर, और ये है रूट टू का स्क्वायर। अब इससे आसान क्या होगा आपके लिए, ये तो आपका आता ही है, कितना होगा 1 अपॉन ए, तो 1 बाई रूट टू, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो टेन इनवर्स टी बाई रूट टू, और प्लस का लगा देंगे बच्चे कितना सी, तो 1 अपॉन रूट टू टेन इनवर्स टी अपॉन रूट टू प्लस सी आपका आ जाएगा। क्लियर इतना, गुड। तो नाउ देखिए क्या हुआ आप पे, हुआ ये कि आपको वैल्यू डालनी है, तो 1 बाई रूट टू टेन इनवर्स टी कितना था x माइनस 1 बाई एक्स था, तो x माइनस 1 बाई एक्स बाई रूट टू और प्लस में कितना है सी है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके गुड, तो ऐसे वाले हैं छोटी बड़ी पावर वाले। क्लियर, शाबाश। एक और देखो, आप पे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऊपर, एक्स की पावर 4 प्लस 16 नीचे, यहाँ पे डी एक्स ये बराबर है आई के, जो छोटी पावर है उससे आपको डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं करना, छोटी पावर से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। एक बार ट्राई करिए खुद ब खुद, शायद आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और नीचे है एक्स की पावर 4 प्लस 16, इसको करने का तरीका यही है कि आप क्या करेंगे, छोटी पावर जो है उससे डिवाइड करेंगे, तो एक्स की पावर 2 बाई एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि छोटी पावर एक्स स्क्वायर है उससे डिवाइड करा, अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 16, इसके नीचे कौन एक्स स्क्वायर, ये हो गया, साथ में लगा दिया यहाँ पे डी एक्स। क्लियर, गुड। नाउ आगे देखिए क्या होगा, आगे ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर तो 1 हो गया, साथ में है 4 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है 16 बाई एक्स स्क्वायर, साथ में यहाँ पे लग गया डी एक्स। अब खुद देखिए, ए तो आपका एक्स है, ठीक है, बी आपका कितना है 16 बाई एक्स स्क्वायर का रूट होगा, ठीक है, 16 का रूट हो गया 4, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स, भैया यही होता है, एक्स स्क्वायर अगर ए स्क्वायर है तो ए हो गया एक्स, और बी स्क्वायर अगर 16 बाई एक्स स्क्वायर है तो बी आपका हो गया 4 बाई एक्स। 2ab वाली टर्म निकाल के देखिए कितनी होगी, 2a की जगह एक्स, बी की जगह 4 बाई एक्स, इससे कैंसिल हो गया, 4 2 8 आ गया, बस आपको यही करना है, प्लस 8 करना है माइनस 8 करना है। अब आप ऊपर देखिए, प्लस है तो नीचे माइनस का स्क्वायर बनाएंगे, तो एक तो ये लेंगे एंड ये लेंगे, ठीक है, माइनस का स्क्वायर बनाएंगे अगर ऊपर क्या है प्लस है, ये मैंने आपको तरीका बता ही दिया क्योंकि माइनस का स्क्वायर हम क्यों बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या हुआ, होगा ये सिंपल सी बात है कि हमने लिखना है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर, साथ में यहाँ पे चल रहा है डी एक्स, साथ में एक्स स्क्वायर है और 16 बाई एक्स स्क्वायर है 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर, 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और साथ में माइनस 8 ले लेंगे, माइनस 8 टू ए बी वाली टर्म है, इनमें खुद ही देखो ना 2 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स 8 ही आएगा, और साथ में क्या बचा आप पे प्लस 8 बचा, प्लस क्या बचा ये 8 बचा, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली टर्म भी है, तो प्लस 8 बचा, 8 को आप लिख दो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, तो ये होगा। आगे बढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर चले गई,
साथ में कौन है डी एक्स है, अपॉन में देखिए कौन है, यह है एक्स माइनस फोर बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि माइनस वाली टर्म आ गई तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये होगा एक्स माइनस फोर बाई एक्स का होल स्क्वायर, और यह है बच्चे टू रूट टू का होल स्क्वायर। अब आँख देख के आप इसे फंक्शन मानिए, मतलब इसे टी मान लीजिए, और वो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मार्क माई वर्ड यही होगा, प्लस का माइनस आता है डिफरेंशिएशन, तो पुट एक्स माइनस फोर बाई एक्स को कितना टी, भैया एक्स माइनस फोर बाई एक्स अगर आपका टी है तो एक्स का हो गया वन, ठीक है, माइनस फोर बाहर आया, वन बाई एक्स का आपको पता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आता है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ तो फोर बाई एक्स स्क्वायर आ गया, तो वन प्लस फोर बाई एक्स स्क्वायर, और टी का हो गया डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स गया इधर, डी टी आया इधर, डी टी बाई डी एक्स ही है ना। तो देखिए बना क्या बना, आपका कुछ ऐसे इंटीग्रेशन है, वन प्लस फोर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स आपका हो गया डी टी अपॉन एक्स माइनस फोर बाई एक्स हुआ टी, तो टी का स्क्वायर प्लस टू रूट टू का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको ये पता है ये क्या होगा, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए टी बाई टू रूट टू प्लस सी, तो वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी लगाएंगे, तो देखिए बना कितना, आई इज इक्वल टू वन बाई टू रूट टू टेन इनवर्स टी, कितना है टी आपको बताइए, एक्स माइनस फोर बाई एक्स है, तो एक्स माइनस फोर बाई एक्स अपॉन टू रूट टू प्लस का आ गया सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोई टाइम पास नहीं, एक क्वेश्चन के बाद कोई पॉज नहीं, सीधा दूसरा क्वेश्चन करो, आप पॉज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, तेल तुल के मालिश करो, नहाओ, ठीक है, थोड़ा गाना गाओ, सैर करके आओ, ठीक है, जब भी सर भारी सा लगे थोड़ी तेल की मालिश करा दो माता जी से। चलिए नेक्स्ट देखें, आप क्या है क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे आप पे डी एक्स है अपॉन एक्स की पावर चार प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आप पे है, तो सिंपल सी बात है, जब ऐसा है तो क्यों ना यहाँ पे वो ना करें लीनियर और क्वाड्रेटिक, क्योंकि वो देखो कब होता है जब ऊपर लीनियर हो, लीनियर का है ऊपर क्वाड्रेटिक है वाला जो होता है ना ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, वो यहाँ नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि ऊपर फिर लीनियर होना चाहिए जबकि यहाँ ऊपर क्या है क्वाड्रेटिक है, तो ये भी आपको सोचना है कहीं आप गलती लगा रहे पहले से, आएगा नहीं बच्चों, चाहे आप लगा लो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला प्लस बी, गलत आएगा, यही तो पहचान करनी है इंटीग्रेशन में, यहाँ यही लगेगा, तो ऊपर नीचे सबसे छोटी पावर एक्स स्क्वायर है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ है डी एक्स अपॉन एक्स की पावर चार प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है जी, गुड। अब देखिए फिर क्या हुआ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है डी एक्स अपॉन एक्स की पावर चार बाई एक्स स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा वन, और यह है वन बाई एक्स स्क्वायर, वो आप खुद ही सोचिए आपका बन जाएगा ए स्क्वायर ये रहा बी स्क्वायर ये रहा, उसको गोली मारो, टू ए बी वाली टर्म आपको ही पता है कितनी होगी, क्योंकि टू ए बी क्या होगा टू इंटू ए कितना है एक्स है, सिर्फ ए है एक्स और बी है वन बाई एक्स, तो आपका आएगा दो, दो मतलब आपको रूट टू का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है ना, तो आपको यहाँ क्या करना है प्लस दो और माइनस दो लगाने हैं, प्लस दो और माइनस दो। अब मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी टर्म्स लेनी है, बाकी छोड़ो, तो इंटीग्रेशन वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, कोई भी कांस्टेंट आ जाए हमें क्या मतलब है, यहाँ एक आ जाए हमें, तो बस अपना परम धर्म करना है, धर्म क्या है हमारे यहाँ पे कर्तव्य कि हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, तो एक तो एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, एक क्या लेना पड़ेगा वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस है, और भैया ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का बनाना है, अब उल्टा हो गया ना, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का, ऊपर अगर प्लस का होता है तो नीचे माइनस का बनाते हैं, तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस का लेंगे, तो ये जो टू ए बी वाली टर्म है टू, अब ये प्लस की लेंगे, अब आप पे बचा क्या, एक तो ये वन बचा और एक ये बचा माइनस दो, बोलो हाँ या ना, हाँ सर वही है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है प्लस वन प्लस टू माइनस टू है, तो प्लस वन माइनस टू प्लस टू, ठीक है, देखिए क्या बना, ये आपको तरीका आना चाहिए, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का स्क्वायर बनाने, तो वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर
और यहाँ हो गया भैया डी एक्स। अपॉन में देखिए क्या हुआ, ये बना एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन बाई एक्स का कितना होल स्क्वायर, और ये कितना है बच्चे, वन माइनस टू माइनस वन होता है तो ये वन का स्क्वायर हो गया, है ना। वन माइनस टू कितना होता है, माइनस वन होता है, तो ये माइनस वन का स्क्वायर हो गया। अब पुट करेंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स को कितना टी, एक्स का हो गया वन, वन बाई एक्स का हो गया माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, टी का हो गया डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर है डी टी इधर है, ठीक है। तो वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यही हमें करना है। तो इंटीग्रेशन वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स आपका हो गया डी टी। अपॉन देखिए ये एक्स प्लस वन बाई एक्स है टी, तो टी का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। अब ये आपको आता है ये कितना होता है, वन अपॉन टू इंटू ए, ए कितना है वन है, तो वन अपॉन टू इंटू वन लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, और प्लस में लगा देंगे बच्चों सी। देखो कितना आसान हो गया। तो जो आपका आई आया वो कितना आया, वन बाई टू लॉग टी, देखिए टी कितना है, टी आपका है एक्स प्लस वन बाई एक्स, ऐसे छोड़ देना, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन, और प्लस कितना है सी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना, गुड, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आप में, और थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें आपको, है ना, कुछ वैसा तो है नहीं, बट हाँ अच्छे क्वेश्चन हैं दो, तो इसमें सोचना, लास्ट के ही है ना इंडेफिनाइट के, तो थोड़े जानदार होंगे। तो इंटीग्रेशन है डी एक्स है अपॉन है एक्स की पावर चार है प्लस का वन है, दिखने में तो बहुत आसान है, आप लोगों को लगेगा मैं इसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बना लूँ, आपको तो ये लगेगा मैं इसे सीधा क्या बना दूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बना लूँ और प्लस वन का स्क्वायर बना दूँ, और सीधा लगाऊँ वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स, एक्स कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस सी, पर ये हो जाएगा गलत, आप इसका डिफरेंशिएशन करो ये आ जाए तो बात बदल देना, ऐसे नहीं होगा ना, टू एक्स भी आएगा। तो देखो तुम तो ये कर दोगे टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर का होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर, पर एक्स स्क्वायर का टू एक्स भी आएगा, वो तो यहाँ है नहीं, तो देखो गलत हो गया ना, तो इसे किसी और मेथड से करना पड़ेगा, सोचो आप कैसे करोगे, आपको भी आ जाएगा ऐसी कोई बात नहीं, करें फिर क्या, गुड। तो ड्रामा तो करूँगा नहीं मैं, सीधा बताऊँगा आपको ये कैसे होगा, ठीक है, ड्रामा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, सीधा करेंगे स्टार लगा देना, अच्छा क्वेश्चन है। अब जो दो तीन क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े तगड़े ही आएंगे, अच्छे अच्छे बोल सकते हो आपने, देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हाफ लिखो और अंदर दो लिख दो, और यह एक्स की पावर चार प्लस एक, और यह है डी एक्स, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसे लिख दिया, हाँ तो मैं भी बोल रहा हूँ लिख दो, पर क्योंकि ये दो एक प्लस एक होगा तो इस दो को एक प्लस एक लिखो, एक प्लस एक कोई दिक्कत नहीं है, एक से एक, एक प्लस एक दो होगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप क्या करिए, जब आपने ऐसे कर ही लिया है तो किसी चीज़ से प्लस माइनस करिए, वो चीज़ क्या है आप भी समझ में आ गए, छोटी पावर तो है ही नहीं है, छोटी पावर एक्स स्क्वायर होगी, उसी से करना है, वन प्लस वन है, प्लस एक्स स्क्वायर करिए और माइनस एक्स स्क्वायर करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा आपने लिख लिया। अब देखिए हुआ क्या, सॉरी दो बनाएंगे इसके पेयर, देखिए पहले टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करा, ऊपर वाले टू का वन प्लस वन लिख दिया और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, तो देखिए क्या हुआ, आई इज इक्वल टू वन बाई टू, इंटीग्रेशन एक मैंने लिखा वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में फिर क्या आया, वन माइनस एक्स स्क्वायर आया, वन माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में नीचे कितने वन प्लस एक्स की पावर फोर है, और यहाँ कितना चल रहा है बच्चे, डी एक्स चल रहा है। सर क्या करा, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अभी भी कैंसिल हुआ, वन प्लस वन टू हुआ, टू से टू कैंसिल हुआ, ये ऊपर वाली चीज़ आ गई, बट मैंने जानबूझ के ऐसा कर दिया। अब देखिए वन बाई टू है, इंटीग्रेशन अलग अलग करिए, इधर से ही सेपरेट करना, तो ऊपर वन प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे कितना है वन प्लस एक्स की पावर फोर है, इधर कितने डी एक्स है, फिर प्लस लगाया वन बाई टू लगाया, इंटीग्रेशन कितना है वन माइनस एक्स स्क्वायर है, और कितना है वन प्लस एक्स की पावर फोर है, यहाँ कितने डी एक्स है,
ये आई के बराबर है, पहली वाली चीज़ को आई वन ले लिया, दूसरी वाली चीज़ को आई टू ले लिया। तो देखिए बात क्या बनी, हमने पहले आई वन के लिए करा, फॉर आई वन, आई वन के लिए हमने सॉल्व करा, समझ में आया ना। वन प्लस वन लिखा, दो को दो से डिवाइड करा, दो से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई वाले को वन प्लस वन लिखा, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर करा। तो देखिए आई वन है कितना, आई वन है हाफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है, वन प्लस एक्स की पावर फोर है, यहाँ पे कितना है डी एक्स है। अब जैसे बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी आपको, क्या कि आपको मन में ही छोटी पावर मतलब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, करो हर टर्म को। तो वन को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो वन बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो वन आ जाएगा, वन को करेंगे एक्स स्क्वायर से तो वन बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स की पावर फोर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो सिर्फ ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना। एक्स की पावर फोर बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा, साथ में यहाँ पे डी एक्स हो गया। अब यहाँ टर्म ढूंढो, देखो ए ये रहा बी ये रहा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये है, टू ए बी कितना होगा, टू इंटू ए है वन बाई एक्स, बी है एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, कितना होगा टू ही होगा। तो आपको क्या करना है, प्लस दो और माइनस दो करना है, ठीक है, ये कर दिया। अब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का स्क्वायर बनेगा, तो ये और ये साथ में लेंगे, तो देखिए कितना आया, वन बाई टू है, इंटीग्रेशन है, डी एक्स है, और नीचे देखिए कितना आया, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस कितना है वन बाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और कितना है माइनस का दो है, तो माइनस का दो लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर है, वन बाई एक्स स्क्वायर है, माइनस का दो है, आप पे बचा प्लस का दो। अच्छा ऊपर एक और चीज़ थी, भूलो मत, कितनी, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, प्लस है तो माइनस का स्क्वायर बनाया, तो प्लस दो बाहर है, प्लस दो को लिखेंगे रूट टू का स्क्वायर, बस क्या करेंगे। अब आपको भी पता है कि जैसे ही हम आई वन लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे, ऊपर है वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, भूलना मत, बचे यहाँ भी डी एक्स है, और यहाँ पे भी कौन है, डी एक्स है। नीचे देखिए क्या बना, ये बना आपका एक्स माइनस वन बाई एक्स का होली स्क्वायर, ये चीज़ जो है एक्स माइनस वन बाई एक्स का होली स्क्वायर है, और वह है रूट टू का स्क्वायर। अब कुछ नहीं, वन एक्स माइनस वन बाई एक्स को टी ले लो, तो पुट एक्स माइनस वन बाई एक्स एज टी, एक्स का हो गया डिफ्रेंसीशन वन, माइनस वन बाई एक्स का हो गया प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, टी का हो गया डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इधर और डी टी इधर, तो ऊपर वाली चीज़ पूरी आपकी कितनी बन गई, डी टी बन गई, कितनी बन गई, डी टी बन गई, क्लियर है। तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यह हटाया, तो आई वन देखिए आपका कितना आया, आई वन आया आपका हाफ इंटीग्रेशन वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स आपका हो गया डी टी, डी टी अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स आपका टी है, तो ये टी स्क्वायर हो गया, और ये रूट टू का स्क्वायर हो गया, टी एक्स प्लस रूट टू का स्क्वायर, और ये आपको पता ही है कितना होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो वन बाई टू सही है। इसके बाद ये वन अपॉन ए, तो वन बाई रूट टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स कितना है, एक्स है टी बाई रूट टू, प्लस सी बाद में लगाना क्योंकि ये फाइनल इंटीग्रल तो है नहीं, टी की वैल्यू डाल दीजिए, टी कितना है यहाँ पे लिख लेते हैं, आई वन इज इक्वल टू वन बाई टू रूट टू, संभाल के रखना, टेन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है, टी इज एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स बाई रूट टू प्लस सी, सी तो बाद में लगाना, तो ये आपका हो गया आई वन, कितना हो गया आई वन। अभी पूरा मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमें आई टू भी निकालना है, तो जरा मैं इसकी पिक ले लूँ, मेरे लिए ठीक रहेगा, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमें निकालना है आई टू, तो फॉर आई टू करेंगे, अब देखिए आई टू के लिए क्या करेंगे, हमने लिखा आई टू, तो आई टू आपका कितना हुआ, आई टू आपका है वन अपॉन टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर, और यहाँ पे कितने डी एक्स है। और आपको ही पता है, आप थोड़ी आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी, मन में ही आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो वन को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे इस वाले को तो वन आएगा, अपन वन को करेंगे एक्स स्क्वायर से तो वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स की पावर फोर को करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर आएगा। आपको ही पता है ऊपर डी एक्स आएगा, ठीक है, ऊपर तो डी एक्स लाजमी आना, साथ में ज़रूरी आना,
साथ में आपको पता है 2ab वाली टर्म यहाँ से वही आएगी, प्लस दो और माइनस दो। अब बस ये है खेल, क्योंकि यहाँ प्लस था तो माइनस का स्क्वायर बनाया, यहाँ पे माइनस है तो आप प्लस का स्क्वायर बनाएंगे, तो ये और ये लेंगे, ठीक है। तो ये और ये और ये लिए, तो देखिए आई टू कितना आया, आई टू आया 1/2 इंटीग्रेशन 1x2-1, साथ में यहाँ कौन dx। और आगे देखेंगे अगर, तो देखिए क्या है, 1x2+x2+2 आपका बना x+1x2 माइनस 2 है, 2 को लिखा √2। बस आपका अब क्या करना है, पुट करना है x+1x को, कितना u पुट कर लो, तो x का हो गया 1, 1x का हो गया -1x2, u का हो गया du/dx, तो dx इधर और du इधर। तो ये पूरी चीज़ जो है 1/x2, ये देखो ना कुछ उल्टा तो नहीं आया, x का 1 आया। अच्छा तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे, ठीक है, और इसको उल्टा बना देंगे, 1 -1x2, ये जो चीज़ है ना इसको उल्टा बना दिया, हाँ 1x2-1, ठीक है, तो माइनस बाहर ले लिया, अब ठीक आएगा, अब ये आ गया। अब ये याद रखना, माइनस की गलती मत करना, वो मार्क्स काटेगा, जीरो देगा, है ना। ये देखिए डिफ्रेंसिएशन क्या आ रहा है, यहाँ पे चेंज कर लिया, तो 1 -1x2 dx आपका du हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपकी कितनी बनी, du बनी, x+1x u है, तो ये बना u², और वह है -√2। तो बस फिर अब क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो मतलब इसका इंटीग्रल लिख लेंगे। तो देखिए इसका इंटीग्रल कितना आया, i2, यहाँ पे लिखा -1/2, फिर आएगा इसका 1/2a, तो 1/2√2 log u पहले है ना, तो u -√2/u+√2 प्लस ही, अभी मत लगाना, अभी भी ऐसे रहने देना। और u की वैल्यू आपको पता ही होगी क्या होगी, माइनस था ना, तो x+1x होगी, ठीक है। तो इसे फाइनली लिखेंगे, i2 कितना है, -1/2 √2, तो 1/4√2 log u है x+1x, तो इसे लिखेंगे x+1x, -√2/x+1x+√2, ये आ गया आपका i2। नाउ फाइनली आपको बताइए आंसर क्या आएंगे, i जो है आपका ये दोनों को सॉल्व करके आया, तो i फाइनली क्या आएगा, i1+i2 आएगा। कन्वेंशन में i1 को पहले लिख लेना, चाहे आपको पन्ना पलटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, i1 को पहले लिख लेना। तो आपका i1 था 1/2√2 tan-1 x-1x/√2+i2, ये रहा कितना, प्लस का हो गया -1/4√2। और आप अगर यहाँ पे प्लस लिख देते ना बच्चों, जो वो आपने माइनस लिया नहीं था, तो दिक्कत हो जाती, तो -1/4√2 log ये आ गया x+1x-√2/x+1x+√2, ये लिख देंगे प्लस का c। तो ये आपका बड़ा सा क्वेश्चन था, बट ये हमने सॉल्व कर ही लिया, ठीक है, शाबाश, ये आपका क्वेश्चन था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक और, उससे पहले इंक भर लेंगे हम, फिर देखेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप एक दो आप घर से ट्राई करना, फिर देखते हैं अगले दिन क्या करते हैं। दो तीन क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप घर से ट्राई करना, देखिए क्या है वो क्वेश्चन, ट्राई करना प्लीज़ घर से, है ना, एंड इफ़ पॉसिबल सेंड मी योर एफर्ट्स, अपने एफर्ट मुझे सेंड करना, तो मैं देखूँगा आपने क्या एफर्ट लगाई। एक तो आपको क्वेश्चन करना है x²/x⁴+x²+1, एंड माइंड इट ये लीनियर नहीं है, दोनों क्वाड्रेटिक है, तो इसमें छोटी बड़ी पावर ही लगेगी। और एक आपके क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, या तो ये आ सकते हैं, या एक आप आ सकता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, और एक आप आ सकता है इंटीग्रेशन tan x+√cot x, और साथ में यहाँ पे कौन dx, ठीक है। ये चार क्वेश्चन आप पे बहुत फेवरेट हैं एग्जामिनर के,
उसके बाद ही हमारे स्पेशल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ये कर लेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो कल मैंने कराने ही हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्पेशल टाइप देखेंगे, दो और बचे हुए, पार्शियल फ्रैक्शन बचा हुआ, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यह शायद ही आपको साफ नहीं दिख रहा है तो मैं लिख लेता हूँ, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स प्लस कॉटेक्स और यहाँ पे है डी एक्स, ये चीज़ है, इसको करो तो हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।